हेलो बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नहीं, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। यानी विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं, पहले देखेंगे विशेषण की परिभाषा। किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। इसमें सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है लाल मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता क्या है? मिर्च कैसी है? लाल रंग की है, यानी मिर्च की विशेषता हो गई, यानी ये संज्ञा हो गई, ठीक है ना। और दूसरा है हरा धनिया, यानी धनिया का रंग कैसा है? हरा, यानी ये धनिया की विशेषता हो गई। और तीसरा है काली गाय, यानी गाय की विशेषता है काली, यानी रंग कैसा हो गया? यानी गाय की विशेषता हो गई काली, और इसका विशेषता बता रही है गाय की काली, ठीक है। और इसी में विशेषण में पढ़ेंगे विशेष्य, यानी विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताते और क्या है। यानी विशेषण अथवा उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जैसे इसमें हमें जिसकी विशेषता बता रहे उसको हम विशेषण कहते हैं। इसमें जिसके द्वारा जो विशेषता बताई जा रही है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। देखिए लाल मिर्च थी, इसमें देखो सिर्फ मिर्च है, इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? लाल, यानी मिर्च की। यानी लाल तो विशेषता है, विशेषता किसकी है? मिर्च की है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसके हम इसी को हम विशेष्य कहते हैं। और दूसरा हमारा धनिया, यानी दूसरे में धनिया की विशेषता बताई जा रही है, और तीसरे में गाय की विशेषता बताई जा रही है। यानी इसमें रंग की, इसमें भी रंग की, और इसमें रंग की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। पहला हो गया हमारा विशेषण, दूसरा विशेष्य, और तीसरा प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। इसमें विशेषण की भी परिभाषा बताते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषण द्वारा यानी विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें देखो ये वाक्य है, बहुत मोटा आदमी, अत्यंत कमजोर बच्चा। जैसे में अत्यंत है, ये हो गया परिविशेषण, कमजोर हो गया विशेषण, और बच्चा हो गया विशेष्य। यानी मैं तीनों की अलग अलग विशेषता है। यानी बहुत हो गया परिविशेषण, मोटा है विशेषण, और विशेष्य हो गया या आदमी, यानी बहुत मोटा आदमी। यानी जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम परिविशेषण कहते हैं। अब इसमें देखो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। विशेषण के कुल पांच भेद हैं। प्रथम भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, और इसको संकेतवाचक भी कह सकते हैं, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हमारे कुल विशेषण के भाग हो गए। इन भागों के बारे में अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। हमारा पहला विशेषण हो गया गुणवाचक। यानी गुणवाचक की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण। यानी गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी रंग रूप आकार स्वभाव दशा दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के गुण, किसी भी वस्तु के गुण, किसी भी स्थान के गुण, किसी भी प्रकार के गुण बताए जाए उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कौन कौन से गुण, आकार है, स्वभाव है, दशा है, रूप है, रंग है, दिशा है इत्यादि, इसका बोध कराते इसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रूप का कैसे होगा? रूप मतलब वो सुंदर लड़का काली भैंस है। यानी लड़के का रूप कैसा है? सुंदर है। और भैंस का रूप कैसा है? भैंस काली है। अब दूसरा देखेंगे आकार का, आदमी, आदमी कैसा है? मोटा है। यानी उस आदमी का आकार मोटा है, ये हो गया आकार। और तीसरा है स्वभाव, यानी झगड़ालू औरत, एक औरत का स्वभाव कैसा है? झगड़ालू। कोई औरतें झगड़ालू होती है, कोई समझदार होती है, यानी सबके स्वभाव अलग अलग होता है। ईमानदार बच्चा, यानी आपके जैसे ईमानदार बच्चे, यानी यदि आपका स्वभाव ईमानदार है तो आपका स्वभाव कैसा होगा? ईमानदार। बेईमान हो तो बेईमान, इसी प्रकार अलग अलग स्वभाव हैं। ये हमारा हो गया गुणवाचक, ठीक है। इसमें गुण बताए जाते हैं, ठीक है ना, रूप रंग आकार स्वभाव। इसमें दशा भी है, दिशा भी है, अलग अलग है, ठीक है ना। यानी दिशा मतलब चारों दिशाएं, दशा मतलब आदत, इसके भी गुण हो उसी को हम विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और हमारा दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। यानी नाम से पता चल रहा है संख्या है इसमें, संख्या मतलब कोई न कोई, एक दो तीन इसी प्रकार की कोई संख्या आ जाए इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो परिभाषा देखते पहले, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हुए संख्यावाचक विशेषण
कहलाते हैं। परिभाषा हो गई इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों हैं, और इसके आगे इसके दो भाग है, निश्चित और अनिश्चित। यानी निश्चित का मतलब है संख्या फिक्स हो, और अनिश्चित का मतलब इसको इस संख्या कोई फिक्स नहीं हो। निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, अभी पढ़ा परिभाषा में वही निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसी में हम पहला पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसमें संख्या निश्चित हो, वे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हुए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो किसी निश्चित संख्यावाचक विशेषण का संख्या का बोध कराते वही निश्चित वाचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, एक लड़का, इसमें लड़के की संख्या कितनी फिक्स है, दो लड़कियां, लड़कियों की संख्या इसमें फिक्स है, तीन गायें, चार बकरियां, यानी इसमें गिनती एकदम फिक्स हो रही है, इसमें कोई अलग अनिश्चित नहीं है। हम दूसरा देखेंगे अनिश्चित संख्या, ठीक है ना। आगे देखो, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, इसके चार उपभेद होते हैं, यानी निश्चित के चार उपभेद हैं। यानी पहले तो इसके भेद थे, फिर इसके हो गए उपभेद। यानी पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा है आकृतिवाचक, और चौथा है समुदायवाचक। गणना का मतलब होता है जैसे इसकी गिनती कर सके एक दो, यानी निश्चित संख्या में एक दो तीन चार। दूसरा क्रमवाचक, यानी क्रम के आधार पर हमें, जैसे हमने लाइन बना ली, एक लाइन में जैसे पहला कोण खड़ा है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है और दसवां कोण है, इसी प्रकार ये हो गया क्रमवाचक। और फिर हो गया आकृतिवाचक, यानी आकृति के आधार पर हम पहला कौन सा है, दुगुना, तिगुना, सौगुना, इसी प्रकार इसकी आकृति वाई देखेंगे। और चौथा है समुदायवाचक, यानी समूहवाचक, समूह में देखेंगे जैसे दोनों है, तीनों है, चारों है, इसमें भी संख्या फिक्स हो रही है, यानी दो खड़े थे उसमें बोले दोनों, तीन है तो तीनों, चार है तो चारों, और पाँच है तो पाँचों, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम इसका दूसरा भाग अनिश्चित वाचक। अब अनिश्चित में देखेंगे जैसे इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित वाचक, ठीक है ना, इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं हो। यानी पहले मैंने पढ़ा था संख्या फिक्स है, एक है, दो है, दुगुना है, तिगुना है, सौगुना है, ठीक है ना। इसमें हम देखो जैसे कुछ पेन, इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं हो रही, यानी कुछ पेन पड़े हैं, यानी दो या दो से अधिक है, काफी दूध है, यानी दूध का कोई मापतोल नहीं है, न इसकी कोई गिनती होगी, न कोई इसका मापतोल होगा, इसको हम कहेंगे हम अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ही अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें संख्या आ रही है, इसमें सिर्फ संख्या का ही बोध होगा। यदि परिमाण आता, परिमाण मतलब मापतोल आता, ठीक है ना, इसमें दूध अलग है, और इसमें निश्चित का मतलब संख्या आएगी सिर्फ, कुछ पेन है, कुछ घड़ियां हैं, कुछ किताबें हैं, ठीक है ना। और अगले भाग में हमें कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और जो जो मैं आगे पढ़ाता जा रहा हूँ आपको कॉपी में लिखना है, और जैसे जैसे हेडिंग आ रही है, परिभाषा आ रही है, उदाहरण आ रहे हैं, सबको आपको कॉपी में लिखना है और समझना है। यदि कहीं आपको समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है, या नहीं तो आपको यानी व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देना आपको।